बात हो रही चलो है। फिर कहीं घूमने चलते हैं, आप चल लोग वो बताओ। मेरा मैगी ईपी खाने को कुंडी लाग गई तेरा मतलब तेरा तेरा भाई तो कह रहा है हिमांशु खाओगा, मैं कहा बोले पूछ ले उससे। एक साथ पे जॉर्डन क्या कर रहे थे, पकड़ लिए। गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई चैनल। अरे यार तो आज आप अपने हेयर वॉश कर लो। हैं वॉश कर लो ना? हाँ ऑयलिंग करके हेयर वॉश कर लो तो कर लो, ग्रीस और लगा दे मेरे। मम्मी पापा चले गए थे, मैंने मैंने थोड़ा लेट व्लॉग स्टार्ट किया है 11 बजे के आसपास, क्योंकि मैं बैठी थी, बैठे थे हम दोनों, बैठे थे, बैठे ही रह गए है ना, और बात भी करते रहे सुबह सुबह। फिर मैंने सोचा कि चलो अब खाना वाना मैं आती, तो मैं खाना ले आती हूँ इनका, फिर चले जाएंगे ये, और फिर उसके बाद मैं अपना नहावा लूंगी, रूम वूम साफ कर लूंगी। तो चलिए आज का व्लॉग, चलो बाहर देख के आते क्या हो रहा है, देखते हैं। मुझे तो पता है कि धूप निकल रही थी, मैंने सुबह देखा था, लेकिन हमारे इस तरफ सभी लेट आते हैं घर पे। हिमांशु कहाँ गया? इसकी लाइट बंद करके। तेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा। धूप निकल रही बहुत बढ़िया, थोड़ी देर जाऊंगी ऊपर, मेथी सुखा आऊंगी और चल जाऊंगी थोड़ी बहुत देर ऊपर। तेरी हार भी ले जा, तेरे तेरे जाना निशा भी ले जा। आज मैंने वो वाली गुड मॉर्निंग करी, गुड मॉर्निंग गाइस। आ जाओ, बड़े मौसम हो रहे हैं ना, धूप निकल रही है, ऐसा धूप निकलती खुल खुल जाता है मौसम। देखना एक बार बाल अपने, क्वालिटी देख रहा है एक बार, आई हाय चेंज हो गए आप पे, हो गया ये तो दिखाना दिखाना। रही रोटी तभी बना दी 2 मिनट में, पहले ये खा लेंगे, मैं तो ना दो ही खाऊंगी। ये लो बना ला ना, 1 मिनट में ही। 1 मिनट में क्या बनी तेरे तो? 4 ले आऊं क्या एक साथ ही? और नहीं, एक एक खा लो, मुझे आवाज लगाते ना, ठीक है? ये हूं, आपको नहीं पता क्या बोलते हो आप मुझे, रोटी ले आइए। ओके गाइस सो रेडी, नहा धो के एकदम बढ़िया, और मैंने इस सूट पहन लिया। मैं चाहती हूँ बिल्कुल सिंपल सिंपल सूट पहन, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है, तो मुझे कहीं जाना होता है तो मैं सोचती हूँ सुबह सुबह ही हैवी सा कुछ पहन लूँ, और वैसे भी 12:30 बज गए हैं, इसलिए मैंने यही वाला पहन लिया है। कपड़े भी धुल रहे हैं, तो 3 से डेली मशीन लगा रही हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा कपड़े उनसे थोड़े थोड़े कपड़े धो लूँ। फिलहाल तो इनके शूज़ धो रही थी मैं पावर ड्राई में, मैं खोलूँ तो मैं सोचा सूख जाए, बट मैं निकाल लेती हूँ, ऊपर धूप में जाती हूँ, धूप में डालती हूँ, ये गई गेम खेलने, खाना वाना सबका हो गया था, बस एक ही चक्कर करा ये कपड़े जीन्स वीन्स, ताकि ये बाहर जाएंगे आज रात को शादी में दोबारा से। मैं सोचती पहले व्लॉग स्टार्ट ना करूँ कि ये होते नहीं है, तो मेरा व्लॉग भी मज़ा नहीं आता मुझे खुद पर्सनली, बट फिर मैंने कर ही दिया व्लॉग स्टार्ट, कि जो रिकॉर्ड होगा हो जाएगा वरना देख लेंगे। बढ़िया धूप है, बैठने लायक नहीं है, लेकिन तो चल रही है ऊपर, बच्चे खेल रहे हैं बचपन। कादे कपड़े थोड़ी देर बैठने आई थी, थोड़ी देर मतलब, बट इतनी धूप है कि मैं 2 मिनट भी नहीं बैठ पाई, आंखें जल गई बिल्कुल, तो अब जाऊंगी सीधा नीचे। चलो हेलो गाइस, तो मैंने अपने लिए एक ऑर्डर किया था, ऑर्डर स्पेशली बोल रही हूँ, ऑर्डर किया है मैंने उस पेज से अपने लिए, इतना सुंदर फ्रेम आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, कि जो आपकी जयमाला होती है आपकी शादी में या आपकी एनिवर्सरी हो, तो आप उन फ्लावर्स को प्रीशियस करके बनवा सकते हैं ऐसा कुछ फ्रेम, जो कि बहुत अच्छा है। आप देखो कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है,
ये जो है ये जो मेरी जयमाला आप देख रहे हो यहाँ पे, मैंने वो जयमाला इनको सेंड की थी और उसी के ही इन्होंने मोती भी लगाए हुए हैं और दो फ्रेम बनाए हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा है, अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ भी परचेज करना या फिर किसी को गिफ्ट करना तो आप इजिली दे सकते हो। आपको वरमाला सेंड करनी होगी और बहुत ही अच्छा मिलेगा, मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगा है, बहुत ही यूनिक आइडिया है, सबको अच्छा लगेगा। तो आप देखो, आप डिजाइन बनवा सकते हैं, कस्टमाइज करवा सकते हैं, आपको एक फोटो चाहिए, चार फोटो चाहिए, छह चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। और अगर ऐसा है कि आपको थोड़ा बड़ा फ्रेम चाहिए, जैसे भी आपको चाहिए, हर तरीके से इनके पास इनके पेज में मिलेगा, तो प्लीज गो एंड चेक आउट। थैंक यू। पता है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? मैं कैमरा ले दूँ। गाने को आ जाएगा, पता है ना आपको, पूरा सुना दो। एक काम करो, गाना चला दो, पूरी फिल्म चला दो, मैं दिखा देती हूँ चला के, पूरी फिल्म चला दो। खेला है गेम, खेला है गेम, मत चलाओ गाने, मत चलाओ गाने, खेला है के खिला दिया तो नहीं। इतने मार दूंगा, इतनी पता है मुझे गर्मियों का इतनी दुख नहीं जितना मुझे इनकी ये पूरे दिन इनर पहनने का दुख है। आप पिछले अब अगले 8 महीने 8 साल यही दिखेगी आपको, 8 साल नहीं 80 साल यही दिखेगी अब आपको। ये आएंगे आते यही पहन लेंगे डेली 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 डेली। अर्जुन वैली ने आ जाएंगे शादी में और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लेके चलोगे क्या प्लीज प्लीज? मुझे लेके चलोगे? हाँ ठीक है ना, जाना। देख कैसे गेम खेल रही है, गेम मैंने मैंने दूसरी क्लास में खेल खेल के छोड़ दिए। इसका मतलब तो क्या साल की है? मरने की किसी की बात होता है ना, आपकी ब्लू पकड़ में चाहे आप कितनी मेहनत कर। आ गया ना, आया टॉफी आ गई। आजकल मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि कंटेंट है मेरे पास, कंटेंट की कमी आ गई घर आते ही, है ना जी? जी टॉफी फोड़ दो, फूट गई खुद ही। लडले न्यू जमा बनी के ऊपर तो शाम हो गए, जैसे कि मैं सुबह से बोल रही हूँ, आज तो ये जाएंगे शादी में ही जाएंगे, शादी में तो ये चले गए हैं। और अब मैं बना रही थी आलू मटर, और मैं सोच रही थी आज के व्लॉग में बहुत कम रिकॉर्ड हुआ है सुबह से, मैं सोच पहले तो मैं व्लॉग करूँ ही ना, अब शाम का दिखाऊँ ही ना कुछ, क्या बना रहे क्या नहीं, फिर सोच रही थी चलो दिखा देती हूँ 10 मिनट का भी बना तो देख लूँगी, बात कर लूँगी, 10 मिनट का भी बना तो, और नहीं बना तो देखूंगी क्या डालू ना डालू, फिर शाम को कुछ बना लूंगी खाने का बढ़िया सा ताकि ब्लॉग लंबा हो जाए। फिर आलू मटर बना लिया तो खाने का भी ज्यादा कुछ नहीं बनाया, नारियल रखा है मम्मी तो अब बना रहे हैं आलू मटर, ठीक है फिर मिलते हैं। तो सब्जी बस आलू डाल दिए, मटर मटर बाकी हैं, मटर डालने के बाद डाल दूंगी धनिया और कसूरी मेथी, फिर हमारी सब्जी हो जाएगी कम्प्लीट, फिर बनाएंगे रोटियाँ। सब्जी बन गई आलू मटर की, बहुत अच्छी लगती है बनने के बाद, क्या मस्त ग्रेवी बनी है, और बना रोटियाँ सब खा रहे हैं, पापा मम्मी माँचो तीनों जने खा रहे हैं। चलो फटाफट खाना बना देती हूँ। तो ये हो गई मेरी रोटियाँ, चलते हैं रूम में। आज आपको पता है कि अचार लाई थी मम्मी अभी, इसलिए मैं अचार ले रही हूँ, नींबू का और मिर्च का। तो आज लस्सी भी हमने लगवा ली है, हमारे यहाँ पैसों में लस्सी मिलती है तो हमने पैसों में लस्सी लगवा ली है, कुछ 20 क्या कितने रुपये किलो है ना, इसलिए अब मजा आएगा, पूरे अब पूरे समर लस्सी मिलेगी, है ना। रुक जाओ, रख देती हूँ, पहले कपड़े की चाय बनाई थी, पहले कपड़े तो हटा दूँ।
ओके सो खाना अब मैं खा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं व्लॉग को बड़ा करने के लिए आप लोगों ने बहुत बहुत दिन से एक चीज बोली थी कि शादी की एल्बम दिखा दो। वही सोचू मैं आज 7-8 मिनट का हुआ है, पता नहीं क्या ही था जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं इसमें ना अपनी वेडिंग एल्बम दिखा दूंगी जो मेरे यहाँ की थी ससुराल की, वो तो आप लोगों ने देख ही रखी थी। तब ना पता तुमको 2 महीने हो गए। अच्छा हाँ तो फोटो भेजे थे। हाँ एल्बम देखी थे तो हिमांशु ने देखे तो हिमा क्या है पता है ना फिर आ गई देख ली थी देख मिली। चलो फिर दोबारा खोलेंगे हिमांशु देखेगा हिमांशु कॉमेडी करेगा और कॉमेडी जो कर ला रहे हिमांशु वीडियो बनाएगा और मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन है क्या क्या कितना लंबा मैं कर सकती हूँ। 5-10 मिनट दिखा दूंगी फिर ये शादी से आ जाएंगे। क्या हाल है सबसे आगे डालोगे एक क्लिप सबसे आगे जो छोटी छोटी डालती हूँ उसमें क्या होगी वो कौन सी फिल्म चल रही है इसकी बहन के मुझे बैठ बैठे खाना मिल जाए मजे ही मजे रोज बार का खाना मिल जाए खाना खाने के अलावा जिंदगी नहीं है रोज बार रोज ड्रेस आ जाए और क्या चाहिए जिंदगी में मजे ही मजे उठना ही ना पड़ो सुबह 9 बजे उठो मजे ही मजे उठ के फिर उठो फिर सो जाओ 11 बजे उठो मजे ही मजे 9 बजे उठो रोटी बनाओ फिर दोबारा सोचो कि सीट गर्म है नहीं है सीट आज लगा देखो सीट गर्म है फिर सो जाओ वापस सो जाओ। ये असली जब मेरी छुट्टी होती तब बहुत ज्यादा मजे होते छुट्टी नहीं होती तब अलग बात है। अब तो हिमांशु के पेपर चल रहे हैं और पढ़ के बेचारा बहुत ज्यादा इसलिए थोड़ी देर आराम कर रहा था इस हद तक घुमा देंगे ठीक चलो मेरी रोटी होगी ठंडी है मैं खा लेती हूँ खाना। मम्मी ने निकाला है क्या मम्मी गोला नारियल कच्चा नारियल मैं बोल रही थी ना रिलायंस वाली मम्मी ने रखा हुआ था अभी तक भी मम्मी की देखो प्रोफाइल फोटो ताजमहल पापा के बर्थडे पे गए थे ना हम तभी किया और ये वैसे तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये बहुत घंटे में ना नीचे उतरता है और ये हिमांशु का 85वां गेम होगा जिसमें ये 86 बार आज हार चुका है मतलब एक सिंगल गेम नहीं जीता फिर भी खेलने लग रहा है जरूर है हिमांशु सबके सामने दिखाना आप सब पूछेंगे हिमांशु भी गाइड बता दो हिमांशु भी सब हारेंगे जो भी इसकी टीम में आया वो हारा ही आ रहा वो भी सर हाँ 1v1 MP4 कदे भी कोई भी खुले छुट्टी है क्या हारने की जीता हम जीता झूठ की बात नहीं है हिमांशु जो क्या हो गया वो मजा आ गया था मैं कभी कोई भी आ जाओ खुली छुट्टी तो इसमें दिखा दे जीत के मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा ठीक है। हाँ कितने बच्चे दिखा भी उतरेगा मैं दिखाऊंगी जरूर इसे ना मतलब हम खा लेते हैं कितने बच्चे रह गए 50 बच्चे हिमांशु कद तो जीत जा इतना ही जीत जा इतना पूरा ना जीत सकता था रील सुनिए रील थोड़ी शादी कर लेते चलो थोड़ी शादी कर लेते थोड़ी शादी जीत जा यार मैं बात तुम्हें जानता मम्मी कुछ बता हिमांशु ध्यान दे जीत जाए कर शर्त लगाई थी जो कहेगा वो खवाऊंगा है ना हार गया था 1v1 में अगर तो कोई मुझे चैलेंज करेगा इंक्लूडिंग पारुल तो मन तो देते कहीं ना इंक्लूडिंग पारुल पारुल भी डरता मुझसे मन तो देते कहीं थी ना अभी मन तो देता अभी कहीं थी पारुल भी डरा मेरे तो सिंगल सिंगल बहुत अच्छी बात है पर चैलेंज तो मेरे साथ था तेरा कोई भी आओ शर्त मेरे साथ थी ना कोई भी आओ खुली छुट्टी शर्त मेरे साथ थी ना हार गए तो मन खुली शर्त लगाई हम आ जा इन्हें के बोले हिमांशु ने आकर मैं हाँ जीतूंगा शर्त है चैलेंज है खेल ले आजा तू खेल ले दोबारा चले चलो कोई बात ना आजा भाई खेलेंगे फोन वाला ना ना फोन वाला खेल लेंगे दूर तभी खेल सके आईडी बता देंगे सुने हिमांशु दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं इसमें लगा ले अगर इसमें जीत का तो सागर यार जीतवा देने बे इसकी आई बात हो रही है 5 गेम जीत के तुम तो टाइम पास करने लग रहे हो चल ये शुरू कर दिया दोबारा दिखाऊंगी कि जीतेगा या नहीं फिर देख ले शुरू कर दिया के देख ले एक बार और मरेंगे और हम इसको हंसेंगे बहुत तेज से करते हंसेंगे बहुत हंसेंगे इसमें उड़गू खान गए थे ओए ठीक है चलो ठीक है सर कल खेलेंगे ओके मैं पढ़ लूं थोड़ा मैं फिर मर गया हूं।
मम्मी कुछ बात कर रही थी। तू फिर आ गए माचू, तो जो मैंने कहूंगी वो खवाना था निकल। वो जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, ये दूसरा मैच है, वो पिछला मैच था जो मैं जीत चुका। अपने वो देखो, यो स्टैटिक्स क्या देखो अभी बोल रहा है, स्टैटिक्स था 9th क्लास में चैप्टर नंबर 11 का, यही नाम था, बताओ क्या नाम था। स्टैटिस्टिक्स नहीं, टिक्स दोबारा बताओ। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स दोबारा बताओ। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स क्या होता है? मैं जवाब ना, मैं खाने लग रही हूं, मेरे दोनों दोनों गले में ये है, खेल सकते हो गेम। मैं हंस रही हूं ना तो मेरे निकल नहीं रही, साउंड नहीं निकल रही। दिखा तुझे क्या है? स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स, स्टैट्स दिखा। अरे मैं ना जाता, क्यों दिखाऊं मैं? मत खेला कर हिमांशु, मत खेला कर। क्यों ना खेलूं? मत खेल, खेल लूंगा। आ रहे अब पूरे टाइम आता ही बार बार हार का बैठना है। बता कोई बात ना, हार लेंगे और बता। हार के बाद ही जीत है, हार के बाद ही जीत। कौन से वाले गेम में जीतेगा? हार के बाद ही जीत है। मम्मी दे लो, कौन से गेम में, कौन से गेम? पबजी में कह रहे मम्मी पढ़ पढ़ जीतेगा। मानू कह रहे पबजी मत खेल, आज आ रहा कल जीत जाएगा। आपकी एनिवर्सरी आ रही है, हाँ हो गया ना बंदे, अच्छे भाई। माँ कह रही है पावा कह के पबजी मत खेल, पढ़ ले बेटा थोड़ी देर। हाँ बहुत सुंदर है, ठीक है मजा आऊंगा। आ रही है, कितना खा हुआ शादी में तो देखो। चिकन खा भी ना सकता मानस ही घर में भाई। अच्छा कैसे? अब रिकॉर्ड कर लो कितना खा गया, देख पेटा बजा लेगा अपने बना रखे अपने ना बोलेगी। दिखाते ना पेट में अपना, घूम जाएगा पेट। आप सही कौन है का पेट? ये अभी ना पेट ये खा रहे, ये गोला है, गोला है। दो घंटे से चॉकलेट, मैं तो कैसे लग चॉकलेट। पहले वैलेंटाइन होते, मम्मी शादी से पहले होते थे ना वैलेंटाइन, तब तो चॉकलेट भी मिलती थी, रोज भी और चॉकलेट और रोज। फिर शादी हो गई, फिर पहले साल मिला कुछ ना मिला, पहले साल नहीं करा था। और इस साल नहीं दिया जाता है। क्या दिया था? रिफ्रेशमेंट दिए आपने मुझे अपनी। अम्मी वो लेस लाए थे 5 रुपए का और फ्रूटी और सैंडविच। अम्मी वो नगर तेरे लिए ये लाया हूँ वैलेंटाइन पर रिफ्रेशमेंट। मना ली ले क्या था? मैंने मना करी था लेके गए, मना करी मैंने। पानी बोतल में नहीं, खत्म हो रखा है, पानी नहीं मिला शादी में। शादी में क्या मिला? स्टाफ के देखे जान पहचान। फिर मजा आया? मजा था एक तो। तो ये आ गए थे और मुझे था कि आज मैं दिखा दूंगी एल्बम, बट अब लेट हो गया है तो मैं कल वाले व्लॉग में एल्बम दिखा दूंगी आप लोगों को। और कैसी रही, कैसा रहा फिर फंक्शन? मस्त, मजा आ गया। सारे मेरे स्टाफ क्या रहे थे, बहुत ज्यादा तेज बोलो ना। अरे स्टाफ क्या रहे थे, मेरा गला खराब है। और यार दोस्त भी थे जो साथ में, किन कोचिंग ली थी, फिर वे भी थे जो हमारे साथ में। नहीं नहीं बोला बाबू, क्यों नहीं लेके आए ना? क्यों नहीं ला गई? जूता यहाँ पर दो, मेरा दिल रखने के लिए। अपना दिल दिल रखते चलो, तो मेरा चलो बताओ ना। ले तेरा दिल रख लिया। अरे बताओ ना क्या क्या खाया? क्या खाया? सब कुछ खा लिया, सब कुछ खा लिया। जल्दी आ गई आज, आज तो ना मम्मी और हिमांशु थे। क्या क्या? आज तो मम्मी और हिमांशु थे तो मेरा टाइम पास हो गया। एक दिन 1:30 बजे उसने तो मैं फर्स्ट फोन फेंकने को रखी थी और कुछ नहीं था। मैं बोल रही हूँ आ जाओ बोल रहा निकल रहा हूँ 10 मिनट में, निकल रहा हूँ 10 मिनट में, 1 घंटा से कर दिया। मम्मी को फोन किया 1:30 बजे, मम्मी आ जाओ मुझे नींद आई। मम्मी आई फिर 2:30 में, ये आए 2:30 के बाद कुछ आए थे आप, है ना। फिर मुझे नहीं पता भाई मैं कहाँ हूँ, बस मैं देखा खोल के मगर छाप आ गए, हाँ ठीक है वापस हो गई ऐसा करके बस। मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं, मैं पूछ लू खड़े को पानी लाया कुछ, बिल्कुल नींद के नशे में, बिल्कुल नींद में थी मैं। तो वैसे जब बुझे क्या आज तक पूछी हो तूने? हाँ डरावगे है हमने आपने मिले फिर बताऊंगा। आज तक पूछी हो तो पूछ।
आप बहुत इंडिपेंडेंट हो पता है, हर तरीके का आप अपने आप से ले आते हो पानी पीने के। और वैसे भी आप छोटे बच्चे नहीं हो, छोटे बच्चे थोड़े ना हो जो मैं आपको मटके ले ले घूमूंगे पीछे आपके। बोल दो कोई बात नहीं, बोल मैं आप लोगों को लहंगा दिखाऊं अपना। क्या दिखा दो? लहंगा ना रहना ना देखना, आपने देख तो लिया। अच्छा फिर चला लिया यो गेम ना, चलाया ना कर कर दूंगी मैं इसलिए इंस्टॉल मेरे यार वाला कर दूंगी मैं। इतनी मुश्किल से लेवल पार करें हैं, देख लो मम्मी कर दूंगी मर के। मम्मी जब घर आएगी तब आप ऐसे पानी देना, लो दमाद जी ऐसे हाथ मोड़ से आपने मेरा मोड़ा भी ठीक है। बताओ मैं पागल हूँ आप भी ज्यादा छाने बन गए वीडियो। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, एल्बम में दिखा दूंगी कल वाले ब्लॉग में। आज के दिन कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ बट हाँ ठीक है। कल कल और अब कल घर पे हो या परसों भी हो अभी है? अरे आए ना बता कल आ जाऊंगी। संडे को नीरव संडे को स्कूल खुलेगा आपका, संडे को आपका स्कूल खुलेगा, चौकीदार बन जाऊंगा। ये मत दिखाया करो ऐसे, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं कौन कौन देखता है वीडियो। अब मैंने की दो तीन, मुझे फुल टी शर्ट लानी पड़ेगी, फुल टी शर्ट लानी पड़ेगी आपकी जिम छोड़ने के बाद। चाहिए कत्ती चाहिए तो चाहिए फुल टी शर्ट समर में, घर पे पहननी पड़ेगी, इसमें नहीं रहोगे अच्छा नहीं लगता ऐसे पूरा दिन। अरे मैंने आपकी सांस नहीं देखती थी आपको पूरा दिन, पता नहीं आपकी कितनी सांसें लगती है, सारी सांसें लगती है आपकी। सांसें बोलती तो क्यों ना, क्या नहीं बोलते भी तो देखने लग रही है लड़ले नहीं हो। नहीं मैं आप तो मना करी बात है, तो वहां वो लग रहा है फरवरी में ये फ्लावर वाला गार्डन लगा है। कौन सा गार्डन? मुगल गार्डन लगा ले चलोगे? फ्लावर फुला ले गार्डन ले जुतन मैं दिल जान सब कुछ दे जुतन मैं। टैडी कितना तू जो मारा खुद है टैडी है। आज हिमांशु गेम खेला, शर्ट लगी मेरी हिमांशु की कि वो जीत गया तो। अरे मेरा फोन में तो देखे गिफ्ट, ये ऐसे ऐसे गिफ्ट देते हैं ना जी जो बिल्कुल ही देखो प्रोफाइल टाणा अंदर दिखाते हो फोन भी चीकनो कवर क्यों हटाया? दोनों तरफ सेम लगा दिया आपने, ये बड़े लड़े लड़े। ये हमारी प्री वेडिंग की फोटो है यार। ये वाला ब्लेजर कहाँ है? ये मेरा छोटा हो गया। अच्छा सब कुछ छोटे हो गए इसलिए मैंने शादी के बाद इनको इतना मोटा कर दिया क्योंकि हर चीज छोटी हो गई। yes. प्री वेडिंग की बहुत सुंदर सुंदर फोटोज थी हमारी, बहुत हमने फोटो वीडियो दोनों चीज बनवाई थी एक साथ ही। और दिखाती हूँ, वेट चेंज वाला इसमें था क्या? चेंज वाला इसमें था क्या? क्या चेंज वाला? ये रहा, ये भी प्री वेडिंग की है, इसके अंदर भी है ना ये रही। वेरी क्यूट, बहुत अच्छी है ये। इनके ना वॉल पेपर पे एक ही फोटो है, मेरे पास ना चेंज होती रहती है। मेरे पास तो वॉल पेपर जो है टैप 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 करूंगी ना आईफोन पे तो चेंज हो जाएगी। ले जतन ले जुलोन पे। और आप लोग बताओ आप लोग कैसे हो? मैं इसमें तो टाइम पास ही कर रही हूँ ऐसे। कल कुछ इंटरेस्टिंग सलाना देखूंगी या कुछ नया बनाऊंगी कल आप लोगों के लिए, ठीक है? तो आज के ब्लॉग को हम यही खत्म करेंगे, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। ताजमहल देख लो, कितने पतले हो आप देखो। तेजो महल है ये, तेजो महल है। कितने पतले लग रहे हो? पतला तू भैंस बहुत तू जो तेरा भाई नहीं क्या करते क्या तू? चलो ठीक है। गवर्नमेंट क्या गवर्नमेंट बुल क्या तो गवर्नमेंट बुल है हिंदी में बताइए। मेरा भाई मैं तो कुछ भी कहता हूँ मजाक में, हिंदी में कमेंट आना चाहिए।
आप डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो पता है यूट्यूब पे सीधा यूट्यूब आप पे केस डाल देगा मुर्गा बना मारो ऊपर ले फ्लोर पे चलो गुड नाइट बोल दो मुर्गा वाला पकड़ पे दर्द हुआ चढ़ाई दे के लाओ किलो पटे कर दे चलो गुड नाइट दरवाजा बना दो गुड नाइट कल फिर मिलेंगे कि नए व्लॉग के में तब तक के लिए बाय एक साथ पे जॉर्डन क्या कर रहे थे पकड़ लिए देख लो भाई ये पी बना रहे हैं खाना खा के आए शादी में और अब इनको भूख लग गई इनको और इनके प्यारे प्यारे भ्राताश्री को दोनों को और मैं तो हूँ इनके साथ मुफ्त में फ्री की खाने के लिए पन्ने बनाई है मांजू तो भिजवा दूंगी आराम से कर लो मेरे शेफ जल जाएगा प्लेट पे लग गई गंदी मैं चम्मच ले जा रही आप ले आना ये माचू भी उठ रहा है अपने इस वाले रूम में है चलो जिसने भी गाना नहीं सुना गाना सुनियो ये हो गई हमारी पार्टी सिंपल सूट 7 साल पहले उस दिन मैंने गुंडी लाग गई तेरा भाई ने कह रहा है हिमांशु खाऊगा मैं कहा बोले पूछ ले उससे ये तेरे भाई ने मना कर दी थी कि हिमांशु तो ना खवानी मैं खाऊंगा भाई मैं तो ले आई थी इन चम्मच हिमांशु के लिए भी और ये बड़ा चमचा जिसको ज्यादा तेज खाने की जल्दी खाने की तलब हो वो ले सकता है एक तेरा अरे ये बुरकाले ऊपर नमकीन ये भी ढाल लो इसके ऊपर अपनी तरफ कर ले आधे में आधे में डाल ले दो चम्मच खा है ना दो चम्मच होगी तेरी दो मैं वही कह रही थी रुको थे एक भी चम्मच डालो एक चम्मच भी डालो यहाँ से इतनी सवाद क्यों कर दी खाने मन ने जो बनाई है अच्छा तुम बोल रहे हो झूठ तो कर दिया था ये बहुत खराब हो ये ना खुल गई उतार दिए कल परसों फिर लगा लूंगी बुड्ढी लगा और कलर चढ़ रहा था कति काम वाली माया गई कति कलर चढ़ रहा था छोटी छोटी हैं मेरे पैर की बहुत छोटी छोटी के बना ले इसमें मैंने लाल मिर्च के 3 चम्मच फेंक के मारी अरे नहीं पागल लेके चलो खा लेते इतनी ज्यादा बनते वो है खा लेने ना लेते वीडियो